कि आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। युवाओं के बीच इनका स्वैग अलग ही है, यानी सुपरहिट है। सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग हर दिन हर रोज पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरी तरफ इनसे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी खूब चर्चा में रहती है, क्योंकि ये कई बार ऐसे बयान देते हैं कि खुद फंस जाते हैं और कई बार इन्हें माफी तक मांगनी पड़ जाती है। हालांकि इनकी फैन लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और अब तो बच्चे भी शामिल हैं। ये पैदा तो मध्य प्रदेश में हुए, लेकिन वृंदावन को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि इन्हें बिग बॉस से स्पेशल इन्विटेशन मिला और नाना करते हुए ये वहां भी पहुंच गए। ये हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। इन्हें आप सनातन का यंग फेस भी एक तरह से कह सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किन के साथ संवाद करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए राधा रानी के अनंत भक्त का, जाने माने कथावाचक, जन सेवा के लिए मशहूर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का। अनिरुद्ध महाराज जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? एकदम अच्छी है विराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन करिए महाराज जी का। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अक्सर अनिरुद्ध जी महाराज विवादों में क्यों रहते हैं, हेडलाइंस में क्यों आ जाते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग जो है, इनकी चर्चा जो है, वो क्यों इतनी बढ़ रही है, समझिए जरा। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। महाराज जी, हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। कहीं आदमी नहीं खाया अभी तक। कौन सी कक्षा में हो? दसवीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है, क्या कन्फर्म किया आपने कभी? हो सकता है आपकी माँ झूठ बोल रही हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वो शख्सियत हैं जो कभी हेडलाइंस से बाहर नहीं होते और उनके सुर्खियों में बने रहने की वजह उनके ऐसे बयान हैं जो अक्सर विवाद का विषय बन जाते हैं। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा कहीं चल रहा है मर्सिडीज में। तुम भेजते हो स्कूल, भेजो स्कूल, जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है और रिलेशन लिविन में रहना सीखता है। भले ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपने विवादित बयानों की वजह से मशहूर, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले भागवत उपदेश से लाखों लोग सनातन धर्म ध्वजा संभाले हुए हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। हमारी उम्र के बच्चे, मेरी आयु 33 साल है, 33 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ, वो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। कुछ बच्चे जिस उम्र में भारत का नौजवान नशे में डूब करके बाप की संपत्ति लुटा रहा है, उस उम्र में ये दास 280 वृद्धमाओं की सेवा कर रहा है। दिवाली के पावन मौके पर न्यूज 18 के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आज प्रभु श्री राम की शिक्षा का दर्शन सबके बीच रखेंगे, साथ ही उन विवादों पर भी अपना पक्ष रखेंगे जो उन्हें अक्सर विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। तो हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, आपका अभिनंदन है एक बार फिर से। हमारे साथ मौजूद है विवेक श्रीवास्तव, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, एक नेता लेफ्ट हैं, एक AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कपिल कक्कड़ हैं जो कि तर्कशास्त्री हैं। मेरे साथ बीके त्यागी जी हैं, उनका भी अभिनंदन है, जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं। और मेरे साथ एक और मेहमान हैं, गोपाल शरण जी, छोटे गुरु जी, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ आप सबका भी अभिनंदन है। तो महाराज जी, संवाद को शुरू करा जाए अगर आपकी अनुमति हो तो। शुरू किया जाए। अनिरुद्ध जी महाराज, आप धर्म से हिंदू हैं, कर्म से धर्म गुरु हैं, फिर भी आप
विवादों के सेंटर में क्यों आ जाते हैं? देखिए, जो बात कही जाती है वो तो समाज हित राष्ट्र हित के लिए कही जाती है। कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे विवादित बना देते हैं, और वो बात जो विवादित नहीं है उसे भी विवाद के श्रेणी में डाल करके और विवाद एक खड़ा कर दिया। यानी आप कह रहे हैं मैं विवाद करता नहीं, विवाद हो जाते हैं। विवाद करता नहीं, विवाद हो जाता, बात ठीक कह रहे हैं आप जी। हम तो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। हम आपने बुलाए, ये कैसा कार्य है जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है? अब देखिए, हम कुछ भी कह दें, अब हमने कहा कि बिस्किट, भाई बिस्की किट मत खाओ, बिस्किट है नुकसानदायक है, अब उसमें भी लोगों ने उसे विवाद बना दिया कि देखो बिस्किट खाने से मना कर रहे हैं। तो आप खुद बिस्किट खाते हैं? नहीं खाते। हम तो नहीं खाते। अब यहाँ पर जो ये खाते हैं बिस्किट, ये बिस्की किट खा रहे हैं? भाई अभी महाराष्ट्र में 90 बच्चे बीमार पड़े, मैंने आपके चैनल पे देखा जी, बिस्किट खाने से बीमार पड़े। तो हम अंकुरित अनाज क्यों ना खाएं, हम अच्छी चीजें क्यों ना खाएं, हम क्यों, हमारे पुराने बाप दादे क्या खाते थे? पर जिसका जो मन हो वो खाए। अब यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी है, विवेक श्रीवास्तव जी है, ये बिस्किट खाते हैं, अभी विस्की किट खा रहे हैं, ये डेली बिस्किट खाते हैं, दो चार पैकेट खा जाते हैं डेली। मैं कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धर्म गुरु क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों के जीवन को, क्या वो खाएं, क्या वो पहने, कब वो उठें, ये स्वतंत्रता आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, हमारे ऋषियों ने आखिर आयुर्वेद शास्त्र बनाया ना, उसमें बताया ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे यहाँ देखिए, क्वार करेला कातक दही, मरहो न तो परहो सही, ये ऋषियों ने बनाया ना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, कब खाओ कब ना खाओ। अगर अगर बनाया है और सभी संत खाते हैं तो राम भद्राचार्य जी को अस्पताल जाने की नौबत ना आती ना? आप अलग चले गए, नहीं, नहीं, आप मार्ग से हट गए। नहीं नहीं, मैं बीमार तो सब पड़ सकते। देखिए ये प्रकृति है, बात समझिए, हाँ। ये प्रकृति है, हम सब ईश्वर के संसार में भेजे प्राणी हैं, और प्रकृति का सामना सबको करना, लड़कपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा, मरना भी सबको पड़ेगा। लेकिन आप घुट घुट के क्यों मरे, अच्छा काम करके मरे, है ना, जो अच्छे से रहेगा। आप अच्छी चीजें, पहले के लोग 100 साल तो सामान्य जीते ही जीते थे, आज भारत की औसत आयु मैंने सुनी कि 66 साल की है, है ना, 60 और 66 के बीच की है। क्यों घट गई? आज व्यर्थ की चीजें, चाउमीन बर्गर पिज्जा, ये बच्चे खाएंगे तो इनकी बुद्धि कहाँ विकसित होगी? आप कहते हैं कि आयुर्वेद को फॉलो करिए, साइंस को फॉलो मत करिए, ये कह रहे हैं क्या आप? साइंस को फॉलो, साइंस क्या है? हमारे यहाँ सबसे पहला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। कब बनाया? 1903 में सफल परीक्षण किया। क्या हमारे शास्त्रों में रावण के पास पुष्पक विमान का जिक्र नहीं है? क्या भागवत जी में कामक विमान का जिक्र नहीं है? कामक विमान, पुष्पक विमान जैसा उल्लेख यदि हमारे शास्त्रों ने किया है तो कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी थी, उस आधार पर किया है। कई तर्कशास्त्री तो ये मानते नहीं है। ओके कपिल कक्कड़, आपका एक छोटा सा सवाल बोलिए। कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं है। आपने थोड़ा सा, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने वो लोगों के सामने, चलो बताओ, रावण के पास पुष्पक विमान था, कामक विमान था, एक स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए, साइंस नहीं है। आप नाना करते हुए बिग बॉस में पहुंच गए, विवाद बड़ा, तो आपने कहा मैं आशीर्वाद देने गया था। मैं वो बाइट सुना देता हूं कि जो आपने कहा था कि आखिरकार आप क्यों गए, सुन लेते हैं। जब मैंने मना कर दिया तरीके से, कई बार 500 बार मैंने कलर्स के ऑफर को, बिग बॉस के ऑफर को मैंने ठुकराया। कलर्स वालों ने कहा, उनकी टीम ने कहा, उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो जो बिग बॉस में जाने वाले जो लोग थे, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। सवाल है कि वहाँ जाने की आपको सलाह किसने दी, ये एक सवाल है। और एक आपके जो विरोधी हैं, आपको जो आपके जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि आप बनावटी हैं। देखिए ऐसा है, मैं बिग बॉस में तो गया ही नहीं, आप सबको पता है खूब अच्छे से, मुझे बिग बॉस में जाने का ऑफर था अंदर, जो 3 महीने का कार्यक्रम होता है, बोले आप अंदर आइए 3 महीने के लिए, मैंने मना किया, मैं अंदर नहीं आता। फिर बाद में क्या हुआ, 100 बार कम से कम उन्होंने बोला कि आप आइए, मैंने 100 बार मना किया और मैं बोला कि मैं नहीं आऊँगा, ये मेरे योग्य नहीं है, पहली बार तो समय ही नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिए, आप अंदर मत आइए, तो जो अंदर जाने वाले गेस्ट हैं उनको आशीर्वाद देने आ जाइए। मैंने बोला मैं नहीं आता क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और ये मेरे लिए उचित नहीं है। तब उन्होंने एक बात कही बिग बॉस वालों ने कि आप बताइए, यदि कोई संत यदि इन लोगों को आशीर्वाद देने नहीं आया, बुलाने पर भी आप नहीं आएंगे और ये पीढ़ी यदि बिगड़ गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए और इन्हें सही बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद उन्हें
जाकर के सही मार्गदर्शन देना चाहिए। तो मैं वहां गया और जो लोग वहां अंदर जा रहे थे मैंने उनको कहा कि ये बिग बॉस नहीं, इसे संस्कारी बॉस बना के आना है आप लोगों को। और गीता देकर के मैंने सनातन का झंडा वहां भी लहराया और आज पहली बार किसी धर्म गुरु ने जाकर के उस स्थान पे 18 साल से वो शो चल रहा है, पहली बार वहां राधे राधे की गूंज हुई, पहली बार। आशीर्वाद देने के लिए चले गए आप, अब यहां से भी प्रश्न आया कि आपको में तो कंट्रोल होना चाहिए था, क्यों जाना था आपको? भाई ये बताइए, बिग बॉस वाले कह रहे हैं कि बताइए जब संत नहीं आएंगे हमें सही ज्ञान नहीं देंगे तो हम सुधरेंगे कैसे? संत हमारे तो ऋषि मुनि वैश्याओं को जाके सुधार के ले आए, गलत लोग, संतों का काम है अच्छी जगह नहीं गलत जगह ही जाके सही, हम आपको क्या सुधारें? आप तो ऑलरेडी सुधरे हैं, जो गर्त में है जो गलत है उन्हीं को सुधारने के लिए संत होते हैं। तो आपको लगता सलमान खान गलत थे उनको सुधार? भाई वहां जो आए लड़के उन्हें तो सही मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है जी। हमारा सही, और हमने सलमान भाई को भी भगवत गीता पकड़ाई कि भाई इसे पढ़ के आप अपना भी कल्याण करो जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप बिग बॉस कितनी देर रहे और आपके उतनी देर में रहने में क्या वहां पे, क्योंकि जो आप प्रवचन देते हैं वो तो आप बिल्कुल वहां की जो रहना सहना है उससे बिल्कुल विपरीत बात करते हैं, वहां का जो ट्रेडिशन है, वहां की जो बोलचाल है और जो वहां की सोच है वो तो बहुत मॉडर्न और बहुत कई बार तो हर एक चीज को पार कर जाती जी, है जी, जी। तो आपने 5 मिनट में या 1 दिन में ऐसा क्या वहां पे झंडा गाड़ दिया कि वो सब अब बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, सनातनी हो जाएंगे और वो हर एक चीज जो आपने कहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे? अरे भाई, और एक एक चीज, सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं है, 15 करोड़ का एक वो क्रीम का ऑफर था वो उन्होंने मना किया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। इन्होंने कहा कि आप 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में वहां पे क्या बदलाव कर देंगे, ये सवाल है आपका? अरे भाई, कोरोना वाले मरीज को जरा टच कर लेने से कोरोना हो जाता है, तो सत्संगी के जाने से वहां सब लोग सत्संगी क्यों नहीं हो सकते? वाह जी, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, मेरे पास एक तस्वीर भी है वहां की, और वहां की मेरे पास तस्वीर है और उस तस्वीर को मैं दिखा देता हूँ, और उस तस्वीर में क्या है उसकी भी झलक देख लेते हैं। आपकी घड़ी बहुत महंगी है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2 लाख रुपए से भी महंगी घड़ी है। ये देखिए, आप देख लीजिए कितने की है। हमें तो अलग है, ये अलग है। हमने तो, आपने दे दी तो पहन ली, उन्होंने दे दी तो पहन ली, हमें तो जो दे देता है वो पहन लेते, दुपट्टा आपने दे दी हमने ओढ़ लिया, सब जो दे देते हैं वो पहन लेते हैं, इसमें क्या है? आप घड़ी देख लीजिए कितने की है भाई, जो दे आप 10 लाख की दे दो मैं 10 लाख की घड़ी पहन लूंगा। महाराज जी, आपने बोला कि रियलिटी शो वाले पीछे पड़ गए इसलिए मैं चला गया, आपके कॉमेडी शो वाले भी पीछे पड़ गए थे, लाफ्टर शेफ्स वाले वहां पे भी आप चले गए थे, मतलब इन रियलिटी शो वालों में आपको क्या ऐसी यूएसपी दिख रही है कि वो आपको बुलाना चाह रहे हैं बार बार? अब देखिए, वो मेरे को क्यों बुलाना चाहते हैं, अच्छा प्रश्न किया आपने। बॉलीवुड के लोग मेरे को क्यों बुलाना चाहते हैं, उसके पीछे की गणित ये समझिए कि इकलौता ये दास अनिरुद्ध ही है जो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा वो बातें सामने लाता है जो गलत हैं। जैसे दाने दाने में केसर कदम वो गुटखा बेचते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, इस तरह के गाने बना के शराब को प्रमोट कर रहे हैं, जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। मैं कहता हूँ कि 70 सालों में हमारे देश में मुगल आए, मुगलों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को, अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को जितना 70 साल में बॉलीवुड ने भारत को नुकसान पहुंचाया। ये बात मैं जब कहता हूं तो बॉलीवुड सुनता है और बॉलीवुड को लगता है कि ये बंदा सही बोल रहा है, खाली सुनते हैं मानते भी हैं, सही बोलता है तो सही बोलता है तो वो बुलाते हैं, और मैं जाता हूं इसलिए कि शायद मेरे कहने से ये लोग गलत का प्रचार करना छोड़ दें और भगवत गीता का प्रचार करना स्टार्ट कर दें। तो आपको लग रहा है कि आपके जाने से बदलाव आएगा? अरे बदलाव ना आया होता तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, वो बदलाव के ही तो प्रमाण है जी। आप बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हैं और संवाद लेते हैं, सच्चाई है, और संवाद भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन आजकल आपने मैरिज ब्यूरो भी खोला हुआ है, क्या जिसकी मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया है, जिसकी चाहे आप शादी कराना चाह रहे हैं, आप सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि शादी करिए और जिम्मेदारी उठा लिया आपने। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं ढूंढ के दे दूंगा लड़की, ये भैया बैठे हैं ढूंढ देंगे। जी हाँ, जो आप शादी का भी आप ले लेंगे काम,
आप जो है धर्म का भी ज्ञान ले लेंगे, आप जो जो है क्या नाम ले फिल्म वालों का भी, उन पर भी आप जो है मतलब आप चाहते हैं कि हर जगह जो है मेरा वर्चस्व बना रहे। वर्चस्व बनाने की बात नहीं है, समाज को सही दिशा देने की बात है। साधु संतों का काम होता है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना, ना कि किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करना या ऐसी सुर्खियां। देखिए आप अच्छा काम करिए, सुर्खियां आपके पास खुद चलकर आएंगी और लोग भी आपके पास चलकर आएंगे जब तक आप सुर्खियों के लिए काम करते रहेंगे। देखिए कुछ दिन दिखाती है मीडिया भी और लोग भी कुछ दिन सुनते हैं, उसके बाद फिर जब लोगों को लगता है कि ये तो कोई कॉमेडी हो रही है तो वो फिर बैक हो जाते हैं। जी ओके, आपका कोई सवाल नलिनी? सवाल है गुरुजी कि आपने कहा कि आप शादी का भी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल हूं? अब सवाल आया ये। देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होके घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले और ना, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे। चलिए पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है। जी लेकिन आपने ये जो मतलब आप इस मैरिज ब्यूरो की बात जो आपको मैंने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं? तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, क्यों ना करें? करते हैं ना? हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ, भांडरी वट में सरकार कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। नहीं, 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 राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ भांडरी वट में, आज गर्ग संहिता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं। सुनिए न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात, ना ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या। मैं तो वैसे कह रहा हूँ भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम ही चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की। जी जी चलिए अब अच्छा एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सलमान खान से आपकी मुलाकात हुई, इंसान कैसे लगे आपको? आपसे उन्होंने आपसे कोई सलाह मांगी? सलाह देखिए हम लोगों का संवाद हुआ, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें मैंने कही तो उन्होंने बात कही कि देखो ये बहुत गहरी बात है जी, ये समझदारों के लिए है, तो उन्होंने बातें बहुत सारी समझी, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको बोला कि वृंदावन गौरी गोपाल आइए, जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनका दर्शन करिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा कि वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है जहाँ 290 वृद्ध माताएं हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, अखंड रसोई चलती है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा उनको पता लगा कि मैं वहाँ जाने का कोई पैसा मैंने नहीं लिया, वहाँ मुझे बुलाया 2 घंटे के लिए बिग बॉस में, तो उन्हें पता लगा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, तो उन्होंने खुद कहा कि आप जब इतनी सेवा करते हैं तो आपको पैसा लेना चाहिए। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं, आपके प्रेम के लिए आया हूँ, और फिर कभी आप वृंदावन आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने खुद कहा कि आप जो पैसा लेंगे, बोले आप कहीं भी जाया करिए तो पैसा लिया करिए, बोले न्यूज़ चैनल में भी जाया करिए तो पैसा लिया करिए ताकि माताओं की सेवा हो सके। तो उन्होंने बोला कि पैसा लिया करो, सोची, और उस व्यक्ति ने कहा कि आप पैसा लिया करिए, जबकि यदि मैं लिया होता तो उन्होंने कैसे क्यों बोला, तो पैसा की बात नहीं थी। तो ये तो उसका भी जवाब होगा कि जिसमें बोला जा रहा है कि पैसे आपने लिए थे, आपने बोला आपने पैसे बिल्कुल नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए थे पैसे। लेकिन एक आप पे आरोप है कि आप माफी वीर हैं, हर चीज के लिए आप माफी मांग लेते हैं, रियलिटी शो में शामिल हुए तो उसके लिए भी आपने को माफी मांगनी पड़ी। भाई हमारे भारत के संस्कार क्या, जरा हाथ बढ़ाइए अपना इस तरफ, एक हाथ ये, सॉरी हमारे यहाँ जरा टच भी हो जाए ना जरा किसी को, तो हम लोग क्या बोलते, सॉरी। तो हमारे हम बचपन में जब देखते ना शक्तिमान, तो उसमें शक्तिमान कैसे कहता था, सॉरी शक्तिमान। तो जरा कुछ हो जाए, जरा आपको कोई बात बुरी लगे, जरा कुछ दिक्कत हो तो सॉरी, आप खुश रहे बस। लेकिन आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको बार बार ऐसे, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं आप सबका दास हूं। नहीं, पर आप विवाद में फंस जाते हैं और फिर आपको माफी मांगनी पड़ जाती है। कोई बात, देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी, हमारे यहाँ शास्त्र इतने अथाह है, ज्ञान इतना है कि सारी जिंदगी पढ़ते रहो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हूँ। आपने जो भगवान कृष्ण और भोलेनाथ का रिश्ते की बात करी, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे देखिए वो तो विवाद यूं ही लोग खड़ा कर देते हैं, कोई वीडियो तो कोई एविडेंस किसी के पास है नहीं, कुछ भी, बस विवाद करना है, हमने कुछ बोला विवाद करना है तो लोग बात कर देते हैं।
कोई आप कह रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एविडेंस ही नहीं किसी के पास जी। लेकिन अगला आरोप आप पर ये है कि राजनीति में जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही है, आप इससे सहमत हैं असहमत हैं? नहीं, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों भाई, ये बताइए क्या हमारे मुसलमान भाइयों में सिया सुन्नी की जाति गणना होती है, तो फिर हिंदुओं में ब्राह्मणों की क्षत्रियों की जाति जनगणना क्यों हो? आप सीधा ये करो ना कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये बात हो। ब्राह्मण क्षत्रिय यादव जाट कितने हैं ये क्यों जनगणना हो? भाई हिंदू कितने हैं ये जान लो, जातियों में विभाग मत करो वरना लड़ जाएगा। जी जी, सवाल 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 विवेक जी, छोटा सवाल जी। जो सदियों से अत्याचार किया किसने किया? दलितों के ऊपर किसने किया? बैकवर्डों के ऊपर? एक सेकंड। मेरा निवेदन ये है, वो सवाल पूछ रहे महाराज जी से, तो महाराज जी जवाब दे देंगे। नहीं, आपको मौका दे रहा हूँ, आपको इसके बाद मौका दूंगा मैं। देखिए मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके, और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने मैं की बात इसके इतिहास को बदल रहा हूँ। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी। सुनिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ, अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं, किस इतिहास की? नहीं, देखिए किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, ठीक कह रहे हैं, अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया, आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता, मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूँ, हर कथा में ये बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहां भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमा सिद्ध बाहु राजन्या कृता ऊरु तदस्य जद वैश्या पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन, जी। यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं। भाई भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते? ये भाई भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूँ और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं? भाई भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई भाई है। एक सवाल मेरा ये है कि आप जो भी बात कहते हैं वो अगर 500 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी या हमारा समाज था उसके लिए तो ठीक बैठती है, आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस केस में उस नज़रिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो, लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके, ऐसा नहीं है। आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के 3rd नंबर पे आई है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हैं कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वहां वो धर्म की शिक्षा लें? टेक्नोलॉजी का पुरानी है,
आप त्यागी जी, हुआ सवाल आपका। अपग्रेड आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को। अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है, अपग्रेड है, ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? एक आज का बच्चा हमारे पास भी है, गोपाल शरण जी हैं, छोटे गुरु जी के नाम से इनको जानते हैं, वृंदावन से हैं। अब देखिए, ये छोटा बच्चा है जी, ये भारत की संस्कृति, ये भारत है, ये है भारत जी। मैं आपसे एक सवाल कर दूं इस बच्चे के लिए, जितने संस्कार इस बच्चे में आज, ये मेरे को लगता है 7-8 साल का बच्चा होगा, 6 साल का, जितने संस्कार 6 साल के बच्चे में है अपने माँ बाप के प्रति, आज देख लीजिए 20 साल के बच्चे में भी इतने संस्कार बाहर की दुनिया में नहीं है। और ये पूरा काम है इनके माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार, गुरुकुल में पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, भारतीय संस्कृति पढ़ाना। कितने अच्छे श्लोक बोले गए बच्चा। लेकिन सब बच्चे तो गुरुकुल में नहीं जा सकते, ये भी एक प्रश्न होगा। पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ कर के हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक जी। अब बताइए, अब बताइए, आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीव धर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ जी। जी लेकिन अब हमारे साथ छोटे गुरु जी हैं, गोपाल शरण जी, और आप तो खुद भी बहुत अच्छा गोपी गीत गाते हैं, सुनाते हैं। आइए आप यहां भी रहते हैं, आप सुनाइए, जोरदार तालियां जी, सुनाइए। इस गीत का नाम गोपी गीत कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर जी सब गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ रास रच रहे थे, तो गोपियों को अभिमान आ गया, देखो ठाकुर जी हमारे साथ रास रच रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और फिर गोपी ने रोके इस गीत को गाया, इसलिए इस गीत का नाम पड़ा गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रेतेन्दिरासस्वतत्रहि दैत्यदृश्यतां दिक्षुतावकाष्टुदृता सवस्त्वां विचिन्वते सरदुदासै साधुजाति स सरसिजोडर श्रीमुसादृशा सुरथनाथते शुल्कदासिका वरधनिघ्नतो नेह किं वद। आप कुछ पूछना चाहते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी? बहुत सुंदर, देखिए हम तो बड़े प्रसन्न हैं। देखिए ये भारत की संस्कृति है, ये बच्चे भारत का भविष्य हैं, और ये बच्चे, आप ये मत सोचिएगा कि केवल संस्कृत जानते हैं और वेद पुराण ही जानते हैं, ये बच्चे ही आगे चल के विज्ञान को भी जानेंगे, अंतरिक्ष को भी जानेंगे, यही बच्चे और तरीके से जानेंगे, यही बच्चे आगे चल के सैटेलाइट भी बनाने की क्षमता रखेंगे। चलिए जोरदार तालियां इस बालक के लिए। आपने कन्वर्जन की बात करी, हाँ। आपने कहा कि साहब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनके इतने फॉलोअर्स हैं वो जातिवाद को कहते हैं साहब है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है जातीय डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसीलिए लोगों ने धर्म बदला। कभी सुनिए, मदर टेरेसा, मैं दस सेकंड बोलूंगा। मदर टेरेसा 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से कलकत्ता आती है, एक औरत के ऊपर चींटियां चढ़ी थी और इस देश में लोग चलते जा रहे थे सड़क पे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और वो लड़की उसको लेकर के अस्पताल जाती है, धरना देती है, तब उसको एडमिट किया जाता है, और बाद में जब वही बड़ी होकर के मदर टेरेसा बनके इस मुल्क के अंदर गरीबों की सेवा करती है, जो आपका समाज नहीं करता, कन्वर्जेशन का सबसे बड़ा एजेंडा लेके ही वो यहाँ आई थी, वो यहाँ आई ही इसलिए थी कि कन्वर्जेशन को बढ़ावा दे सके, और आप जैसे लोग उनके पक्ष में हो गए, बच्चों को छोड़ करके सड़क पे उतरिए ना, उतरते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कन्वर्जेशन ना करो, घर घर जाते हैं, भगवद गीता दे के आते हैं, तो अभी तो पेट में दर्द है आप लोगों के। एक सेकंड विवेक जी,
पेट में क्या जाएगा? ये ले अपनी कंटेनर। अरे तो 30,000 लोग गौरी गोपाल में रोज खाते हैं फ्री में, सबके लिए रसोई खुली है। विवेक, विवेक जी, धर्मवाद और हमारे वामपंथ में यही एक टकराव है। आप कभी मजदूरों, गरीबों, उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। देखिए, बार बार सनातन की बात करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हाल फिलहाल में अयोध्या रहा, श्री राम लला का मंदिर वहां पे बन गया। लेकिन श्री राम मंदिर को जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने बनाया, वो वहां से सरकार, वो चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगी जी। अच्छे काम करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के। वो कहते हैं कि पटोगे तो कटोगे, कैसा ही है आपको लगता है? बिल्कुल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारे तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। यदि संगठित होता सनातन, हिंदू संगठित होते, तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप बार बार कहते हैं कि जो फिल्म वाले हैं वो धर्म के लिए कुछ नहीं करते। अब एक और एक्टर हैं पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। अब जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू में जब गड़बड़ निकल के आई, तो उन्होंने तो बाकायदा एक यात्रा करी और वो तो सनातन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो भी तो इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखिए, जो लड्डुओं में मिलावट की गई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, वो बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल बिल्कुल, उसे अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, जो भी अपराधी हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्वैग वाले बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाते हैं। स्वैग का मतलब समझते हैं ना, मतलब आपका मतलब एक तरह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन आपके वीडियोज वायरल हो जाते हैं, आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं, तो ये स्वैग क्यों है? अरे भाई, धर्म कर्म वाली बातें सुनने का टाइम कहाँ है? आजकल तो लोग 10 सेकंड की वीडियो सुनते हैं, उसी से आकलन कर लेते हैं कि बात कैसी है, सही है कि गलत है। आजकल पूरा सुनने का टाइम किसे है? पूरी बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक आपका आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। हम एकादशी के दिन कॉलगेट कर सकते हैं? कॉलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कॉलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? अब आपने बोला कोलगेट ही नहीं करना चाहिए, ब्रश ही ना करे आदमी, तो क्यों करे? दातून का जमाना था, दातून कर लो भैया। सब लोगों को दातून मिलेगी कहां पर? रहेंगे अब शहरों में, दातून कहां से आएगी? कोई बात नहीं, तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल डालिए और मिक्स करके ब्रश में लगा के कर लीजिए। आपके दांत कभी दांतों में दर्द ही नहीं होगा। आप ब्रश से करिए, हल्दी, नमक और सरसों का तेल। अरे मैं करता हूँ सरकार, मैं मिट्टी से नहाता हूँ और सरसों के तेल उसी से दे रहे हैं, उसे आपको भी अपने अंदर भी तो उतारना पड़ेगा। तो आप करते हैं तो वो भी डालिए सोशल मीडिया पे। हाँ, डालेंगे, आप अपने लिए तो ये आज की सुविधा के अनुसार चाहिए लोगों को जो है, ये कह रहे हैं भैया पहले ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, अपने नहाते हुए की तस्वीर डाले? अब यही दिखाना बाकी है भाई, मैं तो मिट्टी से नहाता हूँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी? बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी। इतना गोरा चेहरा तो नहीं हो सकता, तो फेस वॉश से लग रहा है सर, मिट्टी से तो नहीं हो सकता। आप आइए, अब आप कहो तो मैं आपको गिफ्ट कर दूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इनके नहाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं, कभी साबुन कभी नहाते हुए? ठीक है, वहाँ पे साइंटिस्ट साहब है। छोटा सवाल त्यागी साहब, छोटा सवाल। देखिए, इसमें आप फिर वही पुराने उस पर लेके जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों पुराने टाइम पर कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था, 10 के नोट में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था। ये साइंस था हमारे यहाँ, अब उसको हम घड़ी में ले आए तो क्या करें, हम वहाँ जाए देख रहे हैं ये ना करें? बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे, आपने अडॉप्ट किया ना मॉडर्न स्टाइल, आप क्या चाहते हैं ना करें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? तो कोलगेट भी तो वही बात आपका, बच्ची अरे तो भाई कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी, मेरा अगली बाइट सुन लेते हैं। मेरे पास एक और है और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं,
और मल मल के शरीर नहाते हैं। चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जी जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से गौमूत्र से गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा, गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पॉटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है तो गाय के गोबर से स्नान करने में कहां ऐतराज। जी अब मैं अगले प्रश्न में आता हूँ। नहीं है किसकी है आपको नहीं मालूम है, सब पता है, आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। आप क्या कह रहे हैं वो बिल्ली की पॉटी नहीं है तो किसकी पॉटी है? वो बिल्ली की पॉटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है, वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको लेकिन, कम करने लेकिन, के लिए लेकिन, आपकी लेकिन, यही तो लेकिन, बात लेकिन, है। आप प्रॉब्लम ये है वो कह रहे कि आप मलमूत्र जो है वो जो मलमूत्र है वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है बिल्ली कह रहे कि जो पॉटी है वो बिल्ली की नहीं है किसी और की है। किसकी? आदमी की है, बताओ किसकी है। कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है, वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार अरे बार जानवर कौन सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, है तो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम दो है, एक है कि जो आप करते हैं आप चाहते हैं सारा संसार वो करे, वो सारा संसार वो क्यों करे, हम टाइम के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। माँ बाप को भगवान मानता हूँ तो मैं चाहता हूँ सब माँ बाप को भगवान माने। जी 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 चलिए, जो आप पॉटी की बात कर रहे हैं ना वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है और है तो जानवर की है तो जानवर की वो किसी और यूज पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं, गोबर करना शुरू करते हैं, महंगी है। ठीक है ठीक है, आपने बोला, ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पॉटी बड़ी महंगी होती है, मतलब जानवर की पॉटी महंगी है तो उसे पी लेंगे पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। जी जी चलिए, अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ कि आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत स्वैग का, जो मैंने बात बोली थी, आपका स्वैग इसलिए आप बहुत बड़ी महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। एक तस्वीर है मेरे पास जिसमें वो गाड़ी करोड़ों रुपए की है, उस गाड़ी पे आप घूम रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। अब ये बहुत महंगी गाड़ी है, ये मेरी नहीं है भगवान, जिसके यजमान के घर जाता हूँ। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ तो कोई अरे अनिरुद्धाचार्य का स्टूडियो, ये मेरा हो गया क्या भाई? मैं यजमानों के घर जाता हूँ तो वो अपनी गाड़ी से ले जाता है। खुद आप अच्छा एक खुद आप भेंडर में घूम रहे हैं, आप मेरी गाड़ी नहीं है, आप दिला दो मेरे को ये गाड़ी। जी जी मैं कह रहा हूँ कि आप खुद डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट वॉच डालते हैं, ये यजमान की है, अभी तो घूम ही रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट वॉच डालते हैं, एक अच्छी घड़ी भी डालते हैं, कोई 2 लाख 4 लाख की घड़ी डालते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कहते हैं मोह माया से दूर रही। ना ना ना, मैं कभी नहीं कहता कि मोह माया से दूर है, मैं कहता हूँ कि बेटा खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। अच्छा बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे भगवान, हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है, बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं, बच्चे ठाकुर जी हैं और क्या है? जी आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला ये सुना देते हैं आपको। और मेरी बेटी है ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये ली। अच्छा तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है, जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और। अरे भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया, गरज गजब कर रहे हैं आप भैया। अरे दो कम से कम दो बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें साथ में रहें, तो एक से भले दो, दो से भले तीन। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। जी मैं अगले सवाल पर आता हूँ। जाकिर नायक नाम के कथित मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर महिला एंकर को देखकर मन में कुछ नहीं होता तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको ये विचार कैसा लगता है? क्या
क्या होना चाहिए, क्या भाव आना चाहिए, किस भाव की बात कर रहे हैं वो? भाई अब वो तो अब आप प्रश्न यही है हमारे यहाँ तो देखिए ये है कि कोई भी महिला दिख जाए उम्र में बड़ी है तो वो हमारी माँ है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो हमारी बेटी है। माँ का भाव जागना चाहिए, बहन का भाव जागना चाहिए, बेटी का भाव जागना चाहिए। एक आपका वीडियो वायरल है जिसमें आपने बोला कि जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा, ये क्यों बोला आपने? कैसा कपड़ा? जैसे कपड़े होंगे वैसे ही सामने वाले का आचरण होगा, कपड़े कोई भी डाले, कोई शॉर्ट्स डाले, कोई कपड़े मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे कहीं का हो, कपड़े क्या क्यों करेंगे आप? स्त्री हो पुरुष हो, एक सेकेंड वाह, हाँ ये मर्यादित है जो, अच्छा सुनो मैं बताऊं, अच्छा एक सेकेंड छोटा सवाल, कौन निर्णय लेगा क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है साहब, शॉर्ट्स मर्यादित साहब, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था, और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए, एक मिनट, ये इसका मतलब ये हुआ, इसका ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है, इसका मतलब ये हुआ, सुन लीजिए जी, एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्ध नग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। नारी नारी लेकिन मेरा प्रश्न नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं, अपनी सोच मर्दों को बदलनी चाहिए, अपने लड़कों को सुधारने का, बिल्कुल ये बात आपकी जायज है। एक सेकंड आप पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाए, एक सेकंड, ये तो माई बॉडी माई चॉइस है, किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे, कुछ वो भी मन डाले है। अच्छा ये बता, सब पाने का दिखा रहा है, आपसे पूछूं कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ कुछ लड़कियों को, ऐसे जो भैया की विचारधारा है ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ, आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते, इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। महाराज जी आपसे सवाल ये है हमारा कि अभी आज के समय में कहा जाता है सोशल मीडिया का, और 21वीं सदी तकनीक की सदी है, तो सोशल मीडिया के जमाने में सस्ते लोकप्रियता के लिए लोग रील देख करके जज कर लेते, तो आपको भी इस तरीके से जज किया जाता है, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, और कब तक ऐसा देखने को मिलेगा कि आप रील से बाहर हो जाओ, हमारा एक रिक्वेस्ट है, कब आप रील से बाहर हो गए ताकि आपकी रील भी लोग जान पाए? जी जी जी, मैं तो रील से अभी भी बाहर हूँ, मैं रील में नहीं रियल में हूँ जी। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम को रियल में अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। अच्छा, कि ये रील आप बनाते हैं या बन जाती है? भाई हम तो देखो आपके साथ जो डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब इसकी भी रील बन जाएगी। प्रभु राम ने मर्यादा में रहना सिखाया और भगवान कृष्ण ने मर्यादा में रखना सिखाया, तो आज के युग में ज्यादा तार्किक कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने अधिकार छोड़ना सिखाया जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, कि जब आपका काम बांसुरी बजाने से ना पड़े, जब समाज में ऐसे लोग सामने हों जो नारियों को कपड़े उतारने की बात करते हों, उनके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। यदि दुशासन जैसे लोग ना होते समाज में, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से सुदर्शन की ओर बढ़ना पड़ता? तो समाज जब अपना रास्ता भटक जाती है तो भटका हुआ समाज बांसुरी से नहीं समझता, फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने धर्म के लिए। तो आज के युग में तार्किक कौन है ज्यादा? आज के युग में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, जहां है अपने धर्म का पालन करिए, यदि आपको आपके धर्म के प्रति कोई गलत वे पर ले जाए, गलत रास्ते पर ले जाए, तो आप उसको रोकिए। मैं
मैं आपको पूछना चाहता हूँ गुरुजी, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो पहले आपको वो सारी चीजें जो 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 भी आप कहना चाहते हैं पहले आपको अपने अंदर उतारनी पड़ेगी वो सारी चीजें, तभी लोग आपकी जो बातों को मानेंगे और करेंगे, नहीं तो हमारे इतना बनता भैया उतना उतारते हैं अधिकांश उतारते हैं। आप स्मार्ट वॉच पहनेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप क्या चाहते हैं कपड़े घूमें और क्या चाहते हैं तो क्या चाहते हैं बिल्कुल नंगे घूमें, आप पहनो फुल कपड़े और हम नंगे घूमें, क्या बात करते हो, हमारे ऋषि मुनि ही कपड़ा पहनाना सिखाए समाज को। अब तस्वीरें देख लेते हैं, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर आपकी राय चाहूंगा। आइए देख लेते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। श्री राम और श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं या कुछ सुनाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जी चलिए अगली तस्वीर देख लेते हैं। श्री राम मंदिर है और शाही ईदगाह मथुरा है, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल जैसे राम मंदिर सजा हुआ है ऐसे कृष्ण दरबार भी एक दिन सजे, हम जल्दी चाहेंगे कि कृष्ण लला का मंदिर भी बने। जी अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। हाँ केदारनाथ जी में प्रधानमंत्री मोदी, बहुत सुंदर। मोदी जी ही कैसे प्रधानमंत्री मिले इस देश को, जो गर्व से कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, लेकिन इस बार ही उनकी शक्ति थोड़ी कम रह गई। नहीं तो कम है तो फिर हम सब सहयोग करेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। जी चलिए अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। राहुल गांधी जी भी महाकाल के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। जी ठीक है, ये भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, सनातन को सीख रहे हैं जान रहे हैं, अब कब तक सीख पाएंगे ये तो ये खुद ही बताएंगे। जी चलिए आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतना में समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य जी को छोटे गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए यहाँ पर और आप और छोटे गुरु जी का कुछ अगर आप गुनगुना दें चलते चलते। बैठो बेटा बैठिए आप, बिल्कुल चलते चलते अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।